हेलो फ्रेंड्स, सुखसमृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्नान करने की स्वास्थ्य प्रदायक विधि और समय अनुसार स्नान। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, स्नान सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। मालिश के आधे घंटे बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करें। स्नान करते समय स्त्रोत पाठ, कीर्तन या भगवान के नाम का जप करना चाहिए। स्नान करते समय पहले सिर पर पानी डालें, फिर पूरे शरीर पर, ताकि शरीर आदि शरीर के ऊपरी भागों की गर्मी पैरों से निकल जाए। गले के नीचे के शारीरिक भाग पर गर्म गुनगुने पानी से स्नान करने से शक्ति बढ़ती है, किंतु सिर पर गर्म पानी डालकर स्नान करने से बालों तथा नेत्र शक्ति को हानि पहुँचती है। स्नान करते समय मुँह में पानी भरकर आँखों को पानी से भरे पात्र में डुबोएं एवं उसी में थोड़ी देर पलकें झपकाएं या पटपटाएं अथवा आँखों पर पानी के छींटे मारें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना निर्जलता का घोतक है तथा इससे जल देवता का निरादर भी होता है। किसी नदी, सरोवर, सागर, कुएं, बावड़ी आदि में स्नान करते समय जल में ही मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से पूर्व दोनों पैरों के अंगूठों में सरसों का शुद्ध तेल लगाने से वृद्धावस्था तक नेत्रों की ज्योति कमजोर नहीं होती। स्नान के प्रकार। मन शुद्धि के लिए ब्रह्मा स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए। देव स्नान, सूर्योदय के पूर्व देव नदियों में अथवा उनका स्मरण करते हुए। समय अनुसार स्नान। ऋषि स्नान, आकाश में तारे दिखते हों तब ब्रह्म मुहूर्त में। मानव स्नान, सूर्योदय के पूर्व। दानव स्नान, सूर्योदय के बाद चाय नाश्ता लेकर 8 से 9 बजे। करने योग्य स्नान, ब्रह्म स्नान एवं देव स्नान युक्त ऋषि स्नान। रात्रि में या संध्या के समय स्नान न करें। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात तेल आदि की मालिश न करें। भीगे कपड़े न पहने। दौड़कर आने पर, पसीना निकलने पर तथा भोजन के तुरंत पहले तथा बाद में स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन के 3 घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। बुखार में, अतिसार में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे के वस्त्र, तौलिया, साबुन और कंघी का उपयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा की स्वच्छता के लिए साबुन की जगह उबटन का प्रयोग करें। स्नान करते समय कान में पानी न घुसे, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद मोटे तौलिए से पूरे शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर पहुँचना चाहिए तथा साफ सूती धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। पॉलिएस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। जिस कपड़े को पहनकर शौच जाएं या हजामत बनवाएं उसे अवश्य धो डालें और स्नान कर लें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताई है स्वास्थ्य प्रदायक स्नान विधि। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्णा।